नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका glimpse.in में। दंतेवाड़ा के तमनार में सुबह सुबह हैदराबाद से 14-15 मजदूर 14-15 दिन का सफर करके भूखे प्यासे ही आ पहुंचे। वे मजदूर उड़ीसा के हैं और हैदराबाद में वो काम कर रहे थे, जहां उन्हें उनके मालिक ने राशन देना बंद कर दिया, प्रशासन ने उनकी मदद करना बंद कर दिया और राज्य सरकार के दावे सारे खोखले साबित हुए कि दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को वो जो है खाना पीना मुहैया कराएंगे। भूखे प्यासे मजदूरों ने आखिर में पैदल चलकर ही अपने गांव तक जाने का फैसला लिया और 14-15 दिनों तक पैदल चलते हुए वो तमनार आ गए। उन्हें बलांगीर उड़ीसा जाना है। प्रवासी मजदूरों का दर्द जो है वो सामने तो आता ही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के पैदल चलकर अपने गांव जाने के दर्द के पीछे एक बड़ा दर्द सामने आता है, जो राज्य सरकार जहां से वो निकल कर आ रहे हैं, जिस राज्य से वो निकल कर आ रहे हैं, उनकी असफलता को भी साबित करता है। पेश है हमारे दंतेवाड़ा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान मजदूरों के मीलों पैदल सफर तय करने की कहानियाँ सामने आ रही है। रोजी रोटी कमाने हैदराबाद गए मजदूर लॉकडाउन की वजह से पैदल ही अपने गाँव की ओर वापस निकल पड़े। 15 भूखे प्यासे मजदूरों का जत्था हैदराबाद से 14-15 दिनों तक पैदल सफर तय कर दंतेवाड़ा जिला के तुमनार पहुंचा। इन मजदूरों को बुलांगीर उड़ीसा जाना है। ये सभी मजदूर हैदराबाद मजदूरी करने गए थे। लॉकडाउन के बाद वहां उन मजदूरों के मालिक ने उन्हें राशन देना बंद कर दिया। प्रशासन द्वारा भी उनकी कोई सहायता नहीं की गई। ये मजबूर होकर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। इतनी दूर का पैदल सफर तय करने वाले मजदूर रास्ते में जो कुछ भी किसी भी गाँव से जो कुछ खाने को मिला वो खाकर पैदल अपने मंजिल की ओर चलते निकल पड़े। 14-15 दिनों का पैदल ही लंबा सफर तय करने के बाद वे तुमनार पहुंच गए। जी, हम लोग अभी आ रहे हैं हैदराबाद से और हम लोग का खाना होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना कुछ नहीं, ऐसे ही पैदल आ रहे हैं। ना कोई किधर से रुक रहा है, तो उधर थोड़ा बहुत खाना वाना मिल रहा है तो खा के आ रहे हैं, और किधर भी मिल रहा है नहीं, और गाड़ी वाड़ी भी कोई मदद नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पैदल आ रहे हैं। सर, 15 दिन हो गया आज से। उधर खाना वाना का कुछ व्यवस्था नहीं था। 1.5 महीना तक बैठ बैठ के खाया, उसके बाद में वो भी बोला कि तुम लोग जिधर जाना है तो जाओ, हम लोग नहीं दे पाएंगे, इतना दिन तो दिया ऐसा बोला, और कुछ सुविधा नहीं किया, इसीलिए हम लोग पैदल आ रहे हैं। सर, रास्ते में आप लोगों को कोई सेवा? रास्ते में कोई सेवा होगा कुछ नहीं कर रहा है, पैदल जाओ बोल रहा है, वो हिसाब से चले आ रहे हैं। तो हैदराबाद से कहाँ जाएंगे? हैदराबाद से हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं सर, बलांगीर डिस्ट्रिक्ट टिटलागढ़ वाला। 11 दिन। कितना दिन हुआ आप लोग को निकले? 15 दिन हो गया जी। 15 दिन लगभग हो गया जी। किधर सौ कैसा जिधर मिल रहा है उधर सो। अभी कितना दिन में पहुंचेंगे आप लोग? अभी लग जाएगा 10-12 दिन लग जाएगा सर, अगर ऐसे जाएंगे तो। अगर कोई मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।